दोस्तों, हम जो डील करने जा रहे हैं ये 40 इंच का फुल एचडी जो TCL का LED है और इसके अंदर डिस्प्ले ये लगा हुआ है। डिस्प्ले से रिलेटेड प्रॉब्लम है, 8 सोर्स ऑफ वाला डिस्प्ले लगा हुआ है इनोलेक्स का। तो इसका हम देखेंगे क्या है। ये बिल्कुल भी नो इन्फॉर्मेशन है। आगे बैक लाइट चलती है बट आगे कोई भी ग्राफिक्स पिक्चर नहीं बन रही है कोई भी। इसको ऑन कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसकी आप देख पा रहे हो बैक लाइट जलती है और इसमें बिल्कुल प्लेन है ये। तो मेरा मतलब ये बोलना है कि 12 वोल्ट इस पे देख लिए, 12 वोल्ट आ रहे हैं बट इसकी बूस्ट होती है, जो बूस्ट इसकी VGH VGL वगैरह ABDD ये कुछ नहीं बन रहा इसका। मेरा ये मानना है कि कोल्ड टेस्ट है जो ये सबसे सेफ मेथड है। आप कोल्ड टेस्ट अगर करते हो आपको शायद फॉल्ट उसका जल्दी सामने आ जाए। अब बूस्ट जैसा मैंने चेक किया बनी नहीं है, तो मल्टीमीटर मैंने बजर रेंज पे रखा है अपना और इसको ग्राउंड रख के मीटर की प्रोब को मैं जितने PF लगे हुए हैं ये मैं चेक करूंगा। अब ये दोनों तरफ बजर बज रही है, लगभग ये दिखा रहा है 48 ओम्स के लगभग बता रहा है, जो कि अबनॉर्मल है। ये आपका ABDD वाला पॉइंट है जो वो बता रहा है, ये लगभग 48 ओम्स। ये VAA जो ABDD, तो इसका मेथड मैंने थोड़े दिन पहला भी एक लास्ट वीडियो में शेयर किया था। ये बैटरी हमने रखी हुई है, मैंने ये लगभग 2.7 एम्पियर की बैटरी है, एक 1.2 वोल्ट। ये मैंने 4 बैटरी है जो सीरीज में जोड़ ली, तो लगभग ये 1.2 के हिसाब से आप लगा सकते हो कितना वोल्ट। लगभग ये 6.5 वोल्ट के लगभग बना समझो। ये 1.3 देता है, 2.6 प्लस 2.6 5.2 या 5.5 वोल्ट पकड़ी है। और हम इसको अप्लाई करेंगे ABDD जो कि लगभग 16 वोल्ट होते हैं। तो ये पक्का है कि ये चीज कोई भी आपकी ओके चीज को डैमेज नहीं करेगी, क्योंकि उस 16 वोल्ट की जगह आप अप्लाई कर रहे हो लगभग 5-5.5 वोल्ट, जो कि ये बैटरी पूरी फुल्ली चार्ज है। क्योंकि हम इसको करंट अप्लाई करेंगे लगभग 2.75 एम्पियर और फिर हम देखेंगे क्या इसके अंदर होता है। इसको मैं कनेक्ट करूंगा बैटरी की ग्राउंड है जो मैं स्केलर की ग्राउंड पे लगा दूंगा, जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है मैं जो VAA ABDD है वहां। अब ये बैटरी की तादाद अगर ज्यादा होती तो शायद ये जो चीज खराब है उसमें से शायद धुआं निकाल देती। जो चीज खराब है, मेरी बात को समझिए, ओके चीज नहीं, क्योंकि 16 वोल्ट की जगह आप सिर्फ 5 वोल्ट अप्लाई कर रहे हो। तो इससे कोई भी अगर आप राइट वे में लगाते हो तो कोई आपका ओके कंपोनेंट खराब होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। आप मेरी बात को समझ सकते हो। तो एक जो PF है जो मेरे हाथ पे, देखिए ये इतना गर्म हो रहा था वो मेरे हाथ पे चिटक के उसने हाथ भी जला दिया है यहाँ पे। तो उम्मीद करते हैं ये फॉल्ट तो निकल गया होगा, बट ये जो PF कैपेसिटर शॉर्ट था ये लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बूस्ट सेक्शन के अंदर है। कुछ लोग इसको निकाल के फेंक देते हैं, वो आपका चल जाएगा, मैं ये नहीं बोल सकता कि वो नहीं चलेगा, बट ये रिप्लेस कर देना चाहिए इसको। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये वाला जो PF है, ये वाला मिडल वाला, ये मैंने रिप्लेस किया है। रिप्लेस करने के बाद है जो बूस्ट मेरी ओके बन गई बिल्कुल और सेट भी चल पड़ा। तो ये बैटरी जो लगाने का मेथड है, कई बार ऐसा होता है कि ये 40-48 ओम्स ना होके अगर 250 ओम दिखाता तो हमें बैटरी की तादाद है जो बैटरी ज्यादा बढ़ानी चाहिए, क्योंकि हम 16 वोल्ट पे अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसा मैंने इस बार 4 बैटरी यूज किया था, आप ओम्स अगर ज्यादा है तो बैटरी आप तादाद बढ़ा लो वोल्टेज देख के, उससे कम रखना है समझो। 16 वोल्ट की जगह अगर मैं 6-7 बैटरी भी लगा देता तो मेरे वो लगभग 10 वोल्ट से नीचे रहते, तब ये काम कर जाता। अब हो सकता है कि अगर 250 ओम में ये 4 बैटरी काम ना करती, ये भी हो सकता है। तो अगर बिल्कुल जीरो से नजदीक है शॉर्टिंग है जो, तो 1 बैटरी भी काम कर जाएगी बिल्कुल कारगर तरीके से। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिए, सेफ मेथड है और क्योंकि ये टाइम बचाता है हमारा। बहुत लोग हैं जो वो सामान एक एक निकालना शुरू कर देते हैं उखाड़ना, तो वो रिपेयर बिगड़ जाती है, मेरी बात को समझिए। ये स्मार्ट वे ऑफ वर्किंग है जो हम करते हैं। तो बहुत बहुत मेहरबानी दोस्तों, अगर आपके कमेंट हो तो आप कमेंट में जरूर मुझे पूछ सकते हो, आपको 100% जवाब मिलेगा। तो
डिस्प्ले है जो बिल्कुल परफेक्ट चल पड़ा है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।